हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? ओके, अब मैं बैक टू बैक अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ एंड आई एम लिटरली वाला सो टायर्ड, माय आईज आर सो टायर्ड। एंड ये वाला मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया था, न्यू ईयर्स ईव मेकअप लुक। एंड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं देखी आप लोगों ने तो जाके जरूर यार एक बार देख लेना। इतना एफर्ट डालते हैं आप लोग, इतना सा तो एफर्ट डाल ही सकते, एक बार तो जाके देख ही सकते वीडियो को। इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए जितने भी मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उन सबका परचेज लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना। अब बात आती है पॉइंट पे, बात ये है पॉइंट पे कि मैंने मेकअप लुक अपना क्रिएट किया, बैक टू बैक मैंने अपने वीडियोस वगैरह शूट कर ली। नाउ आई एम सो टायर्ड एंड अब मैं उतारने वाली हूँ अपने मेकअप को। एंड मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन को शेयर करूँ, तो बस डियर आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। मैं अब अपना इतना सारा मेकअप जो मैंने इतनी मेहनत करके लगाया, अब मैं उसको बारी बारी से लेयर बाई लेयर उतारूंगी एंड अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करूंगी। रात के समय मत पूछो कितने बज रहे हैं, लाइक मत पूछो, अगर मैं बताऊंगी तो आप लोग मेरे पे बोलोगे पागल है लड़की, इस समय रात के 1:30 बज रहे हैं। यस, मैं अकेले वीडियो शूट कर रही हूँ, इस समय 1:30 हो रहे हैं एंड 1:30 मुझे भी लग रहा था, एक्चुअली कुछ ज्यादा टाइम हो गया। तो चलो यार डियर, अब बहुत बातें नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सबसे पहले अपना बालों को थोड़ा सा टाई कर लूं एंड चलो अब मैं अपनी हेयर, जो भी अपनी यार डियर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन होगी आप लोगों के सामने ही है रियल वाली, क्या क्या यूज कर रही हूँ। एंड यार बाय द वे मुझे एक और चीज याद आ गई डियर, मैंने विंटर्स के ऊपर लाइक अपने विंटर की स्किन केयर रूटीन की, विंटर एसेंशियल्स किए हैं, जितने भी आपको विंटर्स में फेस वॉशेज हो गया, क्रीम हो गया, सीरम, लिप बाम एंड ईच एंड एवरीथिंग, बॉडी लोशंस हो गया, बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं बैक टू बैक, एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है विंटर स्किन केयर की। नहीं चेकआउट किए तो आप जाके जरूर चेकआउट कर दो, लिंक मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना। एंड तो उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए, लाइक फेस वॉश है तो बहुत सारे फेस वॉशेस है, ठीक है। राइट नाउ मैं आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिखाने वाली हूँ, अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा कुछ जानना है देखना है तो आप जाके जरूर देख लेना वो वाली वीडियोस को। फिलहाल तो मैं यार जो यूज करूँ मैं आपको फटाफट से वही दिखा दूंगी एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग ओनली नेम प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे पिंपल्स हो जाते हैं फिर। तो चलो अब इतनी मेहनत से किया हुआ मेकअप उतारते हैं। आई नो इंट्रो बहुत लंबा हो गया बट चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यार बाय द वे आज मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करूंगी सबके परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड आई डोंट नो व्हाई ये बार बार पलट रहा है। चलो एनीवेज अब इसका काम खत्म हो चुका, अब इसको उतारते हैं। यस, ये होता है डियर बिहाइंड द सीन जब आप लोगों के साथ मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो अब उसके बाद हम यही सब करते हैं। एंड नाउ पिक दिस अप, ये इसको उतारते हैं भाई। यप, मैं थोड़े से अपने लैशेस को लगा रही हूँ। अब डियर आपको अगर मैं दिखाई रही हूँ अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, तो थोड़ी रियल वाली ही दिखाऊंगी अपनी तरफ से, मैं कुछ भी वो तो नहीं दिखाऊंगी कट 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 करके। लैशेस को तो मैंने रख दिया, अब मैंने उतारने अपने लेंसेज एंड दीज आर माई कलर्ड लेंसेज जिसको मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था। एंड आप बताना कैसा लग रहा है। Yep, I'm done with this. तो चलो डियर अब मैं अपना ऑयल के साथ क्लेंजिंग करूंगी फर्स्ट एंड उसके बाद फिर फेस वॉश करूंगी। तो पहले मैं ऑयल के साथ करती हूँ, तो ऑयल दिखाती हूँ। मेकअप उतारने के लिए मेरे पास है दो ऑप्शंस एंड ये है मेरिट वीसियो का एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल, आप देख सकते हो कितना मैंने खत्म कर दिया क्योंकि मैं ऑयल पुलिंग भी करती हूँ इसके साथ। एंड ये है सेंट डिवेंस का स्वीट एलमंड ऑयल। कोकोनट ऑयल अभी मैं यूज नहीं करूंगी क्योंकि विंटर्स में कोकोनट ऑयल जम जाता है, तो मैं एलमंड ऑयल यूज करूंगी। अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर इसको मसाज करूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि जितना भी मेकअप है वो मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और अच्छी तरह से जब मैं इसको कॉटन के साथ निकालूं तो वो निकल जाए आराम से, मेरी स्किन के ऊपर ज़्यादा मुझे रगड़ना ना पड़े। तो लिक्विड लिपस्टिक लगाई है, आप सब जानते हो कि उसको फिर थोड़ा सा ऑयल के साथ मसाज करना होता है। अच्छी तरह से मैं मसाज करूंगी, फिर मैं कॉटन के साथ रिमूव करूंगी। एंड यार लुक एट माई फेस, इतनी मेहनत से किया हुआ मेकअप एंड में ऐसे ही उतारा जाता है। अच्छी तरह से कॉटन के साथ निकाल दूंगी एंड थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ऑयल और लूंगी, ताकि जो मेरे आईज के ऊपर ये लाइनर वगैरह लगा हुआ है तो वो उतर जाए, ताकि मुझे कॉटन को रगड़ना ना पड़े, ऑयल की वजह से आराम से वो ग्लाइड हो जाए और क्लीन हो जाए। थोड़ा सा कॉटन लूंगी, अपनी काजल वगैरह भी उतारूंगी बाद में डियर, ये नहीं निकलता काजल, अभी फेस के ऊपर ऑयल लगाया तो बहुत आराम से कॉटन के साथ ये निकल जाएगा। आप भी ऐसे ही किया करो, पहले ही उतार लिया करो अच्छी तरह से,
फेस वॉश करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं उतरता, स्किन ड्राई हो जाती है। फेस वॉश के लिए डियर मैंने अब थोड़ा सा अपने फेस को गीला कर लिया। दो ऑप्शन हैं, बायटी का नीम फेस वॉश एंड ब्लॉसम कोचर का अरोमा मैजिक टी ट्री एंड नीम फेस वॉश। तो डियर मैं टी ट्री वाला यूज करती हूँ सुबह, रात को मैं यूज करती हूँ ये बायटी का नीम। बाकी आप सब जानते हो कि मुझे नीम के प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि मुझे भी यार पिंपल्स हो जाते हैं। एंड अभी मैंने अपना फेस थोड़ा सा गीला किया हुआ है, पानी के साथ मैंने वेट कर लिया था। तो ये बायटी का नीम आजकल मैं यूज कर रही हूँ। अच्छी तरह से अपने फेस को मसाज कर लूंगी। मैं आपको हर स्टेप पे ना दो दो ऑप्शंस दे रही हूँ। बाकी अगर आपने और डिटेल में अगर आपने देखना है कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो विंटर स्किन केयर वाली, तो आपको और ऑप्शंस दिख जाएंगे हर एक कैटेगरी में। फेस वॉश में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे हर स्किन टाइप के लिए। तो अब देखो मैंने अपने फेस को पानी के साथ वॉश कर लिया है एंड अब मैं अप्लाई करूंगी टोनर। तो टोनर अप्लाई कर लूंगी या फिर फेशियल मिस्ट, ये है गुड वाइब्स के रोज वाला, लैवेंडर वाला एंड जैस्मिन वाला। तो टोनर के लिए डियर ये है मेरे पास ग्रीन बेरी का फ्रेश कुकुम्बर टोनर है। बट टोनर मैं थोड़ा सा दिन में कई बार अप्लाई करती हूँ, रात को मैं फेशियल मिस्ट वगैरह ही लगा लेती हूँ क्योंकि डियर अब प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको बारी बारी से लगाएंगे तो ही वो खत्म होंगे। एंड एक और चीज़ है, इधर मैंने बहुत दिन से तो नहीं, कुछ दिन से मैं ना डियर ट्राई कर रही हूँ वो ग्लास स्किन होती है ना कोरियन स्किन, तो उसमें ना बार बार अपने टोनर को लगाते हैं लाइक 7 times। तो आप थोड़ा सा गूगल करके चेक करना, टोनर को स्प्रे करेंगे, उसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, फिर से टोनर को स्प्रे करेंगे, डैब 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 करेंगे एंड उसको ड्राई होने देंगे, मतलब 7 times। रोज तो नहीं कर पाती हूँ बट अगर कभी कभी टाइम मिले तो ऐसा जरूर कर लेती हूँ। 7 times आपने टोनर को लगाना है, डैब करना है, थोड़ा सा ड्राई करना है। तो ये प्रोसेस है थोड़ा सा, अगर आप सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में भी पता लगेगा। अब आप देख लो मैंने टोनर लगा लिया है, फेशियल मिस्ट लगाया था एक्चुअली मैंने, स्किन एकदम हाइड्रेटेड है। अब मैं लगाऊंगी फेशियल ऑयल, ये है एग्टे का 24 karat गोल्ड फेशियल ऑयल। बहुत महंगा है आई नो, आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था बट प्रोडक्ट अच्छा है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसका रिव्यू। एंड अब मैं लेकिन आज मैं लगाऊंगी गुड वाइब्स का, ये सबके पास है तो आई नो ये जब मैं लगाऊंगी तो आप सब बहुत खुश हो जाओगे क्योंकि डियर इसको मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। एग्टे वाले के तो चलो मैंने 1 हफ्ते से यूज करना शुरू किया था एंड थोड़ा सा डैब 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 करूंगी। 3 to 4 drops लेना है सिर्फ आपने। ये था गुड वाइब्स का आर्गन फेशियल ऑयल सिल्वर लीव्स वाला, वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुकी थी। अब मैं लगाऊंगी क्रीम क्योंकि रात का टाइम है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नरिशमेंट देती हूँ। ये गुड वाइब्स की वीट जम नरिशिंग नाइट क्रीम है, थोड़ी सी लगाऊंगी, ज्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी ऑयल लगाया हुआ है मैंने अपने फेस के ऊपर। 5 minutes के लिए मसाज करूंगी अपने फेस की ताकि अच्छी तरह से क्रीम अब्सॉर्ब हो जाए मेरी स्किन के ऊपर। एंड यार डियर एक और ऑप्शन है क्रीम में, बहुत सही वाला ऑप्शन है, लाइक ये है बायोटिक की वीट जम नाइट क्रीम, बट ये मेरी खत्म हो चुकी है, मैंने इसको सारा लगा दिया एंड वन ऑफ द बेस्ट क्रीम आप देख सकते हो सारी खत्म हो चुकी है। आई होप यू कैन सी, बस थोड़ी सी रही थी तो मैं बीच में गुड वाइब्स लगा लेती हूँ, बायोटिक लगा लेती हूँ, दोनों मेरे बेस्ट वाले ऑप्शन है, सिंपल सी बात है, मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। एंड लिप बाम के लिए भी आप देख सकते हो मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है, ये निविया का स्ट्रॉबेरी लिप बाम है एंड ये वादी हर्बल्स का, बट अफसोस वादी हर्बल्स मेरा खत्म हो चुका है आप देख सकते हो, बट थोड़ा सा भी पड़ा हुआ है साइड में लगा हुआ है। ओके आज मैं वादी हर्बल्स ही लगा लूंगी एंड बहुत सही वाला है यार ये वाला लिप बाम, 45 rupees में आपको मिल जाता है बट बहुत सही वाला लिप बाम है, लव इट। एंड अब आईज के लिए डियर मैं थोड़ी सी अंडर आई क्रीम लगाऊंगी, ये है बायोटिक की एलमंड अंडर आई क्रीम और ये है ब्लॉसम कोचर की अंडर आई क्रीम। तो डियर ब्लॉसम कोचर की तो मैं बहुत टाइम से अप्लाई कर रही हूँ एंड बायोटिक की मैंने रिसेंटली स्टार्ट कर दी है अब अप्लाई करनी क्योंकि ये थोड़ा सा नया वाला प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट जब आता है तो मैं उसको ट्राई करना शुरू कर देती हूँ ताकि मुझे इसका थोड़ा सा रिव्यू वगैरह पता लग जाए। एंड आप रिंग फिंगर्स के साथ थोड़ी सी अप्लाई किया करो ताकि उसका प्रेशर थोड़ा सा कम होता है आपकी आईज के ऊपर, आप ये सब जानते हो कि रिंग फिंगर का थोड़ा सा यू नो प्रेशर कम होता है तो आपकी आईज के ऊपर थोड़ा सा यू नो लाइंस वगैरह नहीं पड़ेंगी। तब मैं दोनों आईज के ऊपर थोड़ी सी मसाज करूंगी 5 minutes के लिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है अंडर आईज पे, डार्कनेस जो भी होगी आपकी खत्म हो जाएगी एंड आपकी आईज बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी वहां पे, सुबह जब आप उठोगे तो पफिनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब सारी मैंने स्किन केयर रूटीन कर ली है डियर अपनी नाइट वाली, अब मैं अपने हैंड्स के ऊपर भी लगाऊंगी। ये है निविया का बॉडी लोशन और ये है प्लम का बॉडी बटर, तो मैं आज प्लम का बॉडी बटर लगाऊंगी। आप सब जानते हो कि मैं थोड़ा सा यू नो
हाथ वगैरह पे ऊपर आपको लगा के सोना चाहिए डियर। एंड वैसे भी ठंड का टाइम है, बहुत जल्दी हाथ फट जाते हैं, थोड़ा सा काम करो एंड इतनी जल्दी हाथ फट जाते हैं। ये प्रॉब्लम मैं भी सफ़र करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस ये मेरी स्किन केयर रूटीन बिल्कुल कंप्लीट होगी नाइट वाली, गुड नाइट। तो ये थी मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन एंड आई होप आप लोगों को पसंद आई मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। मैंने हर एक कोई भी क्रीम में या फिर किसी भी ऑयल में, फेशियल ऑयल में दो दो ऑप्शंस आप लोगों को दिखाए, लेकिन इनमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जाके विंटर स्किन केयर रूटीन जो भी मैंने वीडियो शेयर किया आप उसमें जाके चेकआउट कर लेना। एंड बस अब मैं लगी हूँ सोने, मुझे बहुत सारी नींद आ रही है क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ। एंड लाइक माई चीक्स आर शाइनिंग, आई एम लविंग इट। बट हाँ, ये जो थोड़े बहुत पिंपल मार्क्स हैं इनके ऊपर भी मैं थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ, वो भी करूँगी और ज़्यादा। एंड क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बोलूँगी, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ऊपर वर्क करती हैं लाइक पिंपल्स को हटाने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में। तो उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। आज थी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लेना। एंड या डियर, बस यही थी आज की वीडियो, आप जाओ जाके आप लोग भी सो जाओ एंड मैं भी सो जाऊँ अगर आपको देख रहे हो तो। ओके देन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ आप शेयर कर देना। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, रेड बटन को अगर आप प्रेस करोगे, तो आप साथ में वो जो बेल है टिंग टिंग टिंग, आप उसको जरूर हिट कर देना ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। एंड बाय द वे, मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ, और ये जो मेरे सामने ट्यूबलाइट लगी हुई है ये मेरी इसमें दिख रही है, एनीवेज इग्नोर दैट। तो चलो डियर, बाय एंड गुड नाइट, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, बाय, गुड नाइट।